fuck man, ये आपने क्या किया? अभी जा। आइए मैं आपको दिखाती हूँ अपना स्वीट होम स्वीट। हाँ पहले खराब कर दे साली तू हमारे टाइम पे। रशियन को रशिया किया और रशियन रोज रात को क्या क्या एक डोसा एक कुत्तपमा जो चिल्लाई अभी वो सस्ता पानी की बोतल। मेरी फ्रेंड का है बर्थडे तो है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो हम पहुंच चुके हैं अपना एयरपोर्ट। एक्चुअली घर से हम लोग जब निकल रहे थे तो वहां से यार वहां का व्लॉग नहीं ले पाई क्योंकि क्योंकि उन लोगों ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया है। एक्चुअली क्योंकि वहां से निकलने में वो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे तो जल्दी जल्दी में हमने अपना सामान रखा बैग में नहीं एक्चुअली बैग रखा अपनी डिक्की में कार की और धप्पा करके चार चार बैग भर दिया हमने अंदर। तो बाकी अभी मैं दिखाती हूँ अपने मेरे बाकी के जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों को दिखाती हूँ वो लोग कहाँ हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो ये यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि पूरा फुल है एक्चुअली सीटेड। यू कैन सी दैट पूरा सीट फुल। ओ माय गॉड या सो दैट्स व्हाई ये बंदर लोग यहाँ पे बैठे हैं लेकिन मेरी सीट मुझे मिल चुकी है। देयर इज माय सीट। गोवा में हमारा एक्चुअली रिसोर्ट है होटल है आई डोंट नो। मैं अपनी फ्रेंड से पूछती हूँ फिर उसको सारी जानकारी है इस बारे में क्योंकि मेरी फ्रेंड का है बर्थडे। तो बर्थडे गर्ल से अभी मिलवाती हूँ वहाँ से ऐसे लुक दे रही है लाइक सारे खर्चे हैं जितने भी किए सारी सबकी टिकट भी उसने की है क्योंकि उसी का ठेका है ये दैट्स वाई। तो जो हमारी बर्थडे गर्ल है तो वो उसको मैंने सीट नहीं दी है क्योंकि ये खाली मेरा ही हक है सीट का। तो आइए चलिए हम मिलवाते हैं अपनी बर्थडे गर्ल। बर्थडे गर्ल कौन है पहचान सकते हैं? ओह माय गॉड तो बर्थडे गर्ल ये है बाद में रहती गाइस। तो ये है सरप्राइज आपके लिए या ओ मेरा तो बर्थडे सबको पता है वो निकल गया 26 दिसंबर को। तो बर्थडे गर्ल है इन तीनों में से एक जो कि गाइस हम बाद में सुना, कोई एक। क्या बोल रही है? सस्ता पानी की बोतल। सस्ता पानी की बोतल अभी फ्लाइट के अंदर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारी फ्लाइट है आकाशा एयरलाइन आकाशा में ट्रेवल करना। अच्छी सर्विस है। सर्विस अच्छी है वहाँ की। लड़के लड़के कोई पसंद नहीं आता। तो एक्चुअली हमारा फ्लाइट है 145 और हमने अभी ऑर्डर दिया है 120 पे। कैसे क्या होगा मे बी फ्लाइट छूट भी सकती है लेकिन कोई बात नहीं जल्दी जल्दी भागते भागते हम लोग खाते खाते चला सकते हैं और अपना फ्लाइट के लिए पकड़ सकते हैं टाइम से। हम यहाँ पे वेट करेंगे बैठ के हमने अपने छोले भटूरे का। यस मैंने चार छोले भटूरे चार कोल्ड ड्रिंक एक डोसा एक कुत्तपमा जो चिल्लाई अभी वो वड़ा पाव दो बस इतना ज़्यादा कुछ नहीं। तो यस ये सब कुछ ऑर्डर कर चुके हैं। वाओ बहुत मजा आने वाला है गोवा। ये अपना वो तो खा के खत्म हो गया छोले भटूरे पता नहीं क्या क्या चीज मंगाई थी वो दिखाने वाली थी लेकिन दिखा नहीं पाई क्योंकि हम हो गए थे बहुत ज्यादा लेट और हमें कॉल आने लग गई है वहाँ से नीचे से। भाई 145 का फ्लाइट है और अभी हो रहा है 130। देख रहे हैं देख रहे हैं हिंदी जो जिसको हिंदी आती है देखिए आखिरी को फाइनल को इंग्लिश वाले यहाँ पे। तो आप बताइए रशियन को इंग्लिश तो आती है ना वो इंग्लिश फाइनल कॉल उसी के लिए रशियन को रशिया आती है और रशियन रोज रात को क्या क्या नकली बाल नहीं है इधर दिखाइए तो ये इट्स कॉल्ड फैशन। ये जाहिल लोग कहाँ से समझेंगे फैशन तो ये भी होता है ना। और बार बार ये क्या कर रही है मैंने ये टॉप है यार तो ये ऐसे कर रखा था मैंने फिर बार बार आके ये ऐसे कर दे मैंने कहा फैशन है ऐसे ही रहने दो। मैं तो कह रही थी नहीं चाहिए बहुत ज्यादा भीड़ है बीच में पता नहीं कोई तो होगा मेरी है 23। तो अभी भी रिवील नहीं करना चाहेंगे आप लोग कि किसका बर्थडे और किसका नहीं बर्थडे कि कब यहाँ पे जो नई और विश्व सुंदर है जो बहुत खूबसूरत है बहुत क्यूट है। तो मेरा बर्थडे निकल चुका है यार क्योंकि जो हमने अभी बर्थडे का रिवील किया नहीं है बर्थडे का रिवील होगा मेरा वीडियो के एंड में। तो मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है आप फ्लाइट में पहली बार बैठती हैं तो आपको कैसा लग रहा है?
What? Repeat. I don't want to play with you. Not with anyone. मैं ऐसे मजाक कर रही थी एक्चुअली. ये जो पीछे चेहरे देख रहे हैं आप, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग खेले खिलाड़ी हैं. बिल्कुल बहुत ज्यादा बार फ्लाइट कर चुके हैं अपना फ्लाइट से. सप्पू यार 155 हो गया यार, कब उड़ेगा यार ये प्लेन? कोई तो उड़वा दो यार. तुम उड़ाओगी? तुम उड़ाओगी फ्लाइट? मैं तो उड़ाऊंगी. बच्चे ने बहुत शोर मचा रखा है. चलिए चलो आगे तो चल ले यार, पीछे वो कहाँ गए? वो कहाँ? यस ओके बाय. सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं गोवा. बहुत ज्यादा शोर है एक्चुअली यहाँ पे. तो यस हम पहुंच चुके हैं. और अभी जाते क्या करेंगे? तो अभी गाइस हमारा जो रिसोर्ट है एक्चुअली, अपने रिसोर्ट में जाते हैं हम लोग, कपड़े उतार डूब जाएंगे हम पानी के अंदर और 4 घंटे तक भयंकर नहाते ही रहेंगे नहाते ही रहेंगे. मैं तो बाल वाल भी नहीं धोई अपने, तभी मैं ऐसे आई. इस लड़की में यार बहुत ज्यादा जाने में, ये दोनों बैग लपेट लिए एक ही साथ यार इसने वहाँ से. वाह सबको. सो दिस इज मोपा एयरपोर्ट, यू कैन सी दैट. तो ये हमारा लगेज जा रहा है. मैंने फोन पे बात कर रही है. अरे यार एक काम, हाँ मैं इंजॉय करने रखा, हमें इंजॉय करने दीजिए. इधर कैब भी आने वाली है हमारी, सामान भी वहाँ पे लगा दिया उधर पे हम लगे हुए हैं और अपना कैब का वेट कर रहे हैं. और एक और चीज, और मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ. तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें चल रही थी अभी यहाँ पे. गोवा आके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहन का लौड़ा. गोवा आके कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यार? गोवा आके खाली होता है मजे, ओनली मजे और ज्यादा मजे, ओनली फन हम यहाँ पे कर सकते हैं. तो चलो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दो, तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम छोड़ दो और मजे करो. क्या जय हिंद. मैं वही कहती हूँ, इनका लड़कों पे कभी शक नहीं करने का. शक तब करो जब तुम उसके साथ रिलेशनशिप में, मतलब इस तरीके से रहो जैसे कि लिविंग रिलेशनशिप, समझ रहे हो ना? अब लॉन्ग डिस्टेंस में ना ट्रस्ट ही होता है, लॉन्ग डिस्टेंसशिप में ट्रस्ट के हिसाब से चलता है. तो यहाँ चल रही है रिलेशनशिप की बातें. ये पता नहीं है इसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है. ये ना मैंने कल भी इसको समझाया था कि रिलेशनशिप में भरोसा होता है, अगर नहीं है तो रिलेशनशिप सीधा खत्म कर दो. भरोसा ही नहीं है तो भाई बंदी को यहाँ आते ही ब्रेकअप चाहिए. ताजा खबर बंदी को, बंदी को गोवा आते ही ब्रेकअप चाहिए, क्योंकि समझ जाओ भाई ये गोवा का चक्कर ही ऐसा है. यहाँ पे आते ही सब सिंगल रहना चाहते हैं, सिंगल कि आई एम सिंगल, शी इज सिंगल, ही इज सिंगल. ओके तो गोवा ओके. तो यस गाइस गोवा आते ही इस लड़की ने अपने सिंगल रूप दिखाना चालू कर दिया है. ये तो कुछ चल ये कर, ये मजे आ रहे हैं. मेरे कोई मजे नहीं आ रहे गाइस. मैं भाई फील फील गोवा के साथ फील. अरे यार सप्पू व्हाट इज, व्हाट द फक मैन, ये आपने क्या किया? मुझे क्या? अरे यार सप्पू लोड़ी यार, ये सप्पू हमेशा ऐसा ही करती है. या फिर इतनी, तू इतने शरीर तेरा हल्का है तो क्यों इतने भारी भारी चीजें उठाती है भाई? ला बैग दे यार, मेरा सारा गंदा कर देगी. धुला धुलाया बैग सब के गिरा. एक्चुअली बहुत ज्यादा गर्मी है यार, 35 डिग्री में भी इससे भी ज्यादा जलन हो रही है, जलन एकदम शरीर में. इसीलिए मैं ये जालीदार जो टॉप पहना है मैंने गाइस, दैट्स व्हाई मैं ये जालीदार टॉप पहन के, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है और अपनी कैब कैब हमारे सामने है. सो यस फील गोवा, झील गोवा. सो गाइस रास्ते में रुकवानी पड़ गई गाड़ी हमें. माय गॉड अब ऐसा पूछेंगे नहीं क्यों, तुम पूछोगी इसको तो बताइए, तो कोई तो पूछेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे हम खाली बोल सकते हैं, आप लोग सुन सकते हो. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ दुखद घटना, हम बहुत दूर चले गए. दिखाती हूँ मैं आपको क्या हो गया.
यहाँ पे बेचारी उसको वॉमिट हो गई है, तो वॉमिटिंग हो गई है, तो बस ऐसे करके ठीक हो जाएगी अभी। बहुत क्यूट कितना है। ओए पीछे जाओ, पीछे पीछे जाओ। एना एना की तरह लग रही है। शी इज लाइक माय एना एक्चुअली। गाइस जस्ट टेक योर शिट्स एंड लेट्स गो। और देख सकते हैं आप हालत कैसी हो गई है। वैसे अच्छी है, तो सब अपनी अपनी आईडीज जमा करके जाएंगे हमारे इस खूबसूरत से अपार्टमेंट में, जो कि मैं अभी दिखाऊंगी आपको। मज़ा ही आने वाला है, मज़े। थक गए बहुत ज़्यादा, अब यहाँ से सीधे खुद की मारेंगे धप करके अपना ये स्विमिंग पूल में। यस, तो जल्दी जल्दी सारी फॉर्मेलिटीज पूरा करो और जल्दी हमें हमारा बेड दिलाइए। क्या बातें चल रही हैं, यहाँ पे स्कूटी भी डिसाइड कर रही हैं सबको मैडम। एक ये स्कूटी ले ली है हमने, ये देखो यार, ये देखिए। तो मैं तो उसमें आ गई थी यार, तुम लोग पैदल आ रहे सीढ़ियों से। कि आप जो हो ना लिफ्ट लेकर आ गए, तुमने लगेज नहीं निकाला। आइए मैं आपको दिखाती हूँ अपना स्वीट होम। हीरोइन ये वाला मत लेना, वो सबसे बड़ा है, वो ले ले। ले कोई नहीं, आपको भी दिखाती हूँ। तो ये है एक रूम, ये है हमारा। तो ये बेड है। वाह, हाँ पहले खराब कर दे साली तू हमारे टाइम पे। देखे, वाओ हेल मतलब वाओ हेल यार, वो फटक से चलते हैं। तो दिखाना चाहेंगे आपका दूसरा रूम? तो गाइस देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास एक रूम अभी हमें मिला है, जो कि है बहुत ही शानदार आलीशान। अच्छा दूसरा रूम दोबारा करती हूँ। ठीक है, अंधेरे में नहीं, ये एक्चुअली नाइट वगैरह। इसके लिए मुंह दिखाई देनी पड़ेगी। वेट, इसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। फोन में हर चीज नहीं दिखा सकते आपको। वाओ, बड़ा जो, बड़ा नाइस व्यू। दिस इज आवर बेड। ओए होए चला, कूद ही जा भाई, तू कूद जा। मेरा कूदने का ही दिन है बहन, यानी स्विमिंग पूल दिखा दे। स्विमिंग पूल पहले तेरे तो मुखड़े दिखाऊं, इसका ही खर्चा है सारा, इसकी शक्ल तो दिखानी पड़ेगी। तो स्विम, ओ माय गॉड, स्विम पूल ये देखिए, हम क्लोज कर लिया गाइस। जिम जाना होगा ना, तो जिम तो जाएंगे, जिम तो जाएंगे वन पीस पहन के। तो यहाँ पे बहुत ही, यहाँ पर जिम भी हमें नहीं पता था, लेकिन हम सारे जिम, मुंबई में जिम करी है आज तक? जो यहाँ जिम करोगी, करिए, बहुत पुरानी बात हो गई है ना। वो तो लड़के मेरी तारीफ कर रहे हैं, बोल रहे हैं थोड़ी फिट बॉडी बनाई है। अपना पार्टी छोड़ दे, रिसेप्शन में पार्टी डाल दे। यू हैव मी, सो देख सकते हैं गाइस, आप बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है हमें। अब भाई ये चेंज कपड़े अपने सब खोलेंगे हम लोग। तो भाई दो दिन के मजे हैं बस यहाँ पे यार, दो दिन के मजे, फिर वही काली रात, दो दिन के फिर वही काली रात। तो दो दिन भाई यहाँ पे मजे करके हम निकलेंगे। और क्या चल रहा है? एक्चुअली गाइस हम लोग यहाँ पर दो दिन के लिए शिफ्ट ही हो रहे हैं ना, तो मैंने सोचा कि हमने सारे कॉस्ट्यूम यहाँ पर ना सेट कर दूँ यार। तो भाई सेट कर ले तेरा, ये तो तुम लोगों का दो लोगों का रूम ही हो गया, दो दो, ये दो, हम तो पांच लोग हैं, तो एक को सोना पड़ेगा अकेले बाहर हॉल में सोफे पे। एक्चुअली क्या है ना कि हमारे घर में अलमीरा तो है नहीं, हम बार बार ऐसे खोल खोल के कपड़े निकालते हैं। यहाँ पर हमें फर्स्ट टाइम अलमीरा मिले, तो ऐसे से तो भैया ये है फोन सब डाले। ओ माय गॉड, अलमीरा नहीं है, मेरा मोटा के कपड़े लेके घूम रहे हो तुम, और तुम्हारे पास अलमीरा नहीं है भैया। चाहती हूँ कि मेरे सारे कपड़े ऐसे सेट होकर फिर तुम एक ब्लॉग निकालो कि मैंने कर दी अपनी अलमीरा सेट। ओहो, सबको अपनी बालकनी दिखा देते हैं हम लोग, बालकनी है ना, बालकनी।
हमारा कवर्ड भी लगता है तैयार हो चुका है, दिखाती हूँ मैं। ओह माय गॉड, तो अब कवर्ड दिखाएंगे भाई। अब मन तो कर रहा है सोते रहो सोते रहो। ले भाई, तो भाई गाइस इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इन्होंने आते ही यहाँ 2 दिन का घर बना चुकी है। तो ये देखिए, ओ माय गॉड, मुझे बार बार खोलने में दिक्कत ना हो। पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, इसे मैंने क्या किया है, मेरा तो सेट कर दिया तो हट गए जरा। मैं इनका ही दिखा, तो ये इन्होंने लगाया, तो ये वाला मेरा, ये थोड़ा मैसी मिलेगा क्योंकि ये मेरा है। गाइस आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपना मेकअप, वाओ, यहाँ पर मेरे सारे ड्रेसेस हैं, ये भी लगा दिया। इधर भी कुछ है, इससे भी कुछ ना कुछ है, ये रैपर्स है, रैपर्स है। तो ये वाला रूम मेरा है, तो मैसी रहेगा ही रहेगा। और ये हमारे लगेज है, लगेज का खाली किया हुआ पात्र। तो ये ऐसी, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, वाओ, थैंक यू। क्या तेरे अपने कपड़े तो लगाए भैया, अपने कपड़े लगाए और थैंक यू हम बोले। लो भाई, हमारे तो ऐसे फैले हुए मैसी मैसी। अब ये देखते जरा इस वाले वार्डरोब में क्या है। वाओ, ग्रेट वर्क, ग्रेट जॉब, थैंक यू फॉर योर सेल्फ। कपड़े लगाने और तो चलते हैं फिर। चलिए, सब पहन पहन के रेडी हो गए। ये भी इनको वॉमिट हो गई थी, मैंने दिखाया था ना गाइज आपको। तो गाइज, तो मैंने दिखाया था गाइज, ये वही है, वही है। चल स्विमिंग पूल में चलना जल्दी, मैं बस कपड़े चेंज करने, कपड़े उतारने। लोड़ी बोल रही, देखो तो ये थैंगो नहीं, लोड़ी कोई गाना नहीं है, वरना इसमें वो कॉपीराइट का लग जाता। तो ये लोड़ी लोड़ा सब बोल सकते हैं हम अपने ब्लॉग में, क्योंकि ये वैलिड है, वैलिड। हम लोग रेडी हो गए हैं अपना स्विमिंग पूल के लिए, कैसा लग रहा है? ठीक है, ये उतार देंगे अंदर में, है ना इतना स्विमिंग पूल। मेडिकल स्टोर ढूंढने लग गए हम लोग। तो भाई स्विमिंग पूल के लिए रेडी हो गए हैं हम लोग। तो स्विमिंग पूल के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन यार ये लोग जा नहीं रहे हैं पागल से। अब लेंगे हम स्विमिंग पूल की मजा, ऐसे मैं यहाँ से भी कूद सकती हूँ, लेकिन मैं कूदूंगी नहीं, पता नहीं कितना गहरा है। माय गॉड, पहले पानी का वो चेक करें, ठंडा है यार पानी को। अरे यार, ये तो गहरा सा है। अरे नहीं है, गहरा नहीं है, अब मैं कूद सकती हूँ। अभी कूदने वाला पूरा वीडियो निकालना है। ओके जी, यार सबको जल्दी आ जाए, तो बहुत मजा आ रहा है यार। अब इस वजह के साथ मैं अपना कैमरा सबको की तरफ घुमाती और उसको बुलाती हूँ, सबको आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो मैं आपको सेव करके दिखाती जो मैंने सीखी है, ठीक है? हाँ, उसको दिखाओ, उसको दिखाओ, सबको भी आ गई। मैं जीत गई, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे हूँ, वो वहां पे। इसकी स्विमिंग इसको भी आती है, पप्पू इसको तो पूरी स्विमिंग आती है भाई। स्विमिंग हो चुकी है पूरी, तो भाई स्विमिंग वगैरह करके हम आ गए अंदर। 1 घंटा पूरा स्विमिंग करी हमने, तो बाकी की 2 फ्रेंड्स तो हमारी आई नहीं, लेकिन मज़े बहुत आए। चलिए चेंज करते हैं, पूरा गीले गीले हो गया, और चेंज करके फिर जाते हैं हम कहीं बाहर। ओ माय, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो, तू क्या पोज दे रही है वहाँ पे, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो,
क्योंकि मुझे डर लग रहा था। ओह माय गॉड, अबे अकेले मत छोड़ो यार, पीछे 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 आगे पीछे पीछे वाह। हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे बताया था आप लोगों को कि बर्थडे है, मैं लाइटिंग के नीचे आ जाती हूँ। तो बताया था कि बर्थडे है, तो बर्थडे रिवील होगा, जरूर होगा, लेकिन वो मेरी लेकिन वो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो में, मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको पता चलेगा कि किसका बर्थडे है किसका नहीं। वैसे सबके सब यहाँ पे रेडी तो हो गए हैं। चलिए मिलते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाटएवर यू वांट, एंड तुम लोग भी बोल दो, कर दो गाइस। इसका जो भी चैनल है कोई मत करना, फालतू की बकवास करती है, साथ में घंटा भी दबा दो उसको। ये बोला प्लीज 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 डू मी अ फेवर, प्लीज लाइक हर चैनल, सब्सक्राइब एंड प्लीज कमेंट डाउन डाउन कमेंट डाउन। ओह माय गॉड, ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।